पांडे जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ जो कल हमारे बीच थे आज भी मंच पर मौजूद हैं, उनके साथ नूर जहीर एक उच्च स्तरीय लेखिका और कलाकार है वो भी मंच पर मौजूद है। हम साथियों से चाहेंगे कि एक जोरदार ताली से आप लोगों का स्वागत और सम्मान किया जाए। भाई संजय चौधरी जिला अध्यक्ष बोलत भाई मैं भूल गया था, बड़ी देर पहले ही मिला था हमको क्रांतिमान शुक्ला भदोही के द्वारा 2000 रुपए, क्षमा चाहूंगा उनसे, नाम लेने में विलंब हुआ, धन्यवाद। धन्यवाद देना चाहूंगा जो मुझे 2 मिनट बोलने का समय दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे जनपद बुलंदशहर से आए हुए हमारे सभी साथियों का बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जैसा मैंने कल उनसे निर्देश दिया था कि 4000 की संख्या को बढ़ाकर कम से कम 6000 कर दो, तो देखने में आ रहा है जहाँ गाड़ियाँ कम दिखाई देती थी आज बहुत अच्छी संख्या में आए हैं। और इसी के साथ मैं प्रदेश संगठन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जैसा निर्देश जनपद बुलंदशहर के लिए किया जाएगा सबसे पहले जनपद बुलंदशहर आगे रहेगा। अगर निर्देश किया जाता है कि प्रत्येक शिक्षा में गांधीवादी तरीके से रहेगा तो पूरा अनुशासन में रहेगा, और अगर आदेश दिया जाता है कि भगत सिंह बना दिया जाए तो भगत सिंह बना दिया जाएगा। लेकिन प्रदेश स्तर का जैसा निर्देश होगा उसी के अनुपालन में हमारा जनपद चलेगा। और उनका निर्देश था कि कोई साथी किसी भी तरीके से कोई मांग नहीं बता रहा है, तो मेरा तो उनसे सिर्फ एक निवेदन है, संभव हो सके तो सबसे पहले पैरा 4 में संशोधन कराकर बिना कैट के सभी को उनका जो भी सम्मान खोया है उसी को वापस दिलाने का काम करें साथियों। और अगर विशेष परिस्थिति आ जाती है तो समान वेतन और समान कार्य वाले पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन वो दूसरे नंबर पर होनी चाहिए मांग। फर्स्ट प्रायोरिटी अध्यादेश नहीं ला सकते हैं तो पैरा 4 में संशोधन कर सकते हैं, ये केंद्र सरकार के पक्ष की बात है, पूरी तरीके से केंद्र सरकार इसे कर सकती है। तो मैं चाहता हूँ अगर सभी साथी, हमारी सभी बहनें और हमारे सभी भाई इस निर्णय से अगर संतुष्ट है तो हाथ उठाकर समर्थन दीजिए। क्या सभी संतुष्ट है? आवाज दो। और अगर इसमें सहमति नहीं बन पाती है तो मेरा फिर हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कम से कम समान वेतन समान कार्य इस पे कराएं। और तीसरा विकल्प जो 8 अगस्त में एक आदेश जारी हुआ है जिसमें 2 साल के लिए अपने पद पे बने रहते हुए योग्यता बढ़ाने की बात कही गई है और अधिक कुछ ना कर सके तो उसका अनुपालन तो अति शीघ्र करा लें, जिससे हमें पूरे 2 साल अपने पद पे रहते हुए अगर टेट भी करना पड़ा तो सम्मानजनक स्थिति में हम कर जाए। तो मेरा बहुत शॉर्ट में कहना चाहूंगा, बस यही निवेदन है, इन 3 शर्तों के अलावा मानदेय पर किसी भी तरीके की कोई बात न रखी जाए। और मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि जब तक प्रदेश कार्यकारिणी का कोई भी आदेश ना हो सभी व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था बनाते रहे। जय शिक्षा मित्र, जय शिक्षा मित्र।